खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली खबर का। जोशीमठ में भू दशाओं के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जोशीमठ पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार की नजरें भी बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक की है इस मामले को लेकर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने तालमेल बनाकर सभी को करना होगा काम, ये कहा है सीएम ने। 1.5 लाख रुपए देंगे प्रभावित लोगों को, यह भी उनकी ओर से बताया गया। लोगों के पुनर्वास में मदद करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं स्टेट ब्यूरो हेड योगेश राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश राणा जी, जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं, मकानों में जो दरारें हैं वो बढ़ रही हैं, संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी की बात करें, केंद्र सरकार की भी नजरें बनी हुई हैं। आज भी सीएम धामी ने एक बड़ी बैठक की है इसको लेकर। जी बिल्कुल रितेश, अगर पिछले दो दिन से देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधी निगरानी में पूरा मामला ले लिया है। केंद्र सरकार में भी इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। अगर देखें तो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और आते ही पीड़ित परिवारों से मिले, उसके बाद वो उन राहत शिविर कैंपों में भी गए जहां पर विस्थापितों को रखा गया है। इसके अलावा आज सुबह नरसिंह भगवान के मंदिर में गए और उसके बाद एक के बाद एक तीन बड़ी बैठकें ली है। अगर बैठकों के विवरण की बात करें तो सबसे पहली जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है, वो बैठक उस समिति के साथ ली है जो मुआवजे के निर्धारण के लिए गठित की गई है। जोशीमठ में मुआवजे के निर्धारण को लेकर गतिरोध पिछले कई दिन से बना हुआ है। दो होटल जो खतरनाक स्थिति में घोषित कर दिए गए उनको ढाया जाना था, इसके अलावा कुछ घरों को भी गिराया जाना था जो खतरा बन गए हैं, लेकिन मुआवजा निर्धारित न होने की वजह से लोग लगातार विरोध कर रहे थे। इसके लिए एक समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिति के साथ बैठक कर ये कहा है कि इसका बिल्कुल पारदर्शी और इसका निर्धारण किया जाएगा जो भी मुआवजा होगा। और इसके साथ साथ ये संदेश भी दिया है कि अभी फरवरी में ओली में विंटर गेम्स होते हैं, इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है और कोशिश की जा रही है कि विंटर गेम्स को बिल्कुल भी स्थगित न किया जाए और फिर इसके बाद चार धाम की यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि कोई ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे कि जोशीमठ से एक ऐसा संदेश जाए कि विंटर गेम्स को लेकर या चार धाम यात्रा को लेकर, क्योंकि जोशीमठ बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अलावा अगर आप राहत की बात करें तो तीन तरीके से राहत अभी जो पीड़ित है, जो प्रभावित है, उनको दी जा रही है। 1,50,000 रुपये की जो राहत है वो अंतरिम राहत के तौर पर दी जा रही है। दूसरा, जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं उनको 5,000 रुपये की राहत जो तुरंत है वो राशन और अन्य सामान खरीदने के लिए। इसके अलावा 6 महीने तक हर महीने 4,000 रुपये अगर कहीं होटल में रुकते हैं या कोई घर किराए पर लेते हैं उसके लिए एक ये अंतरिम राहत है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो दूसरी बड़ी मीटिंग की है वो सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ और इसके अलावा जो बहुत सारी एजेंसी है केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, जो भू धसा हुआ है इसको लेकर जो जांच कर रही है उनके साथ एक मीटिंग की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इसकी वजह क्या है, जो फीडबैक्स है, और इस पर रिपोर्ट जल्द से जल्द आनी चाहिए। इसके बाद एक तीसरी मीटिंग भी की है, एक के बाद एक कई सारी मीटिंगें की है पुष्कर सिंह धामी ने। आज तीसरी मीटिंग जोशीमठ के जनप्रतिनिधि और जो समाज के कुछ मौजूद लोग हैं उनके साथ बैठक की है, क्योंकि कुछ जो गतिरोध बने हुए हैं विस्थापितों को लेकर, अपना घर कई लोग नहीं छोड़ना चाहते, कई लोगों की मांग है कि हमें नया ही घर दिया जाए, कई लोगों की मांग है कि हमें एक मुश्त रकम दी जाए ताकि हम जहां चाहे हम वहां पर खरीद ले, हमें मुआवजा एक मुश्त दिया जाए। तो इन सब चीज़ों के हल के लिए एक ठोस कोई कदम उठे, ठोस कोई दिशा बने, एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले रात्रि विश्राम भी यहीं पे किया है, कल से है, आज जी उनका देहरादून निकलने का आज का कार्यक्रम भी है। योगेश राणा जी, लेकिन जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि काफी महत्वपूर्ण बैठक थी, बेहद जरूरी हो जाता है कि आसपास के लोगों को, स्थानीय नेताओं को साथ लेकर ही जो पूरी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए, इस बैठक से क्या किसी प्रकार के निष्कर्ष निकलकर बाहर आ पाए, जो कोशिश जो मुख्यमंत्री धामी ने की है क्या वो उसके परिणाम क्या सामने आ पाए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, अगर परिणाम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो ये बात आई है कि जो बाजार दर है उस पर मुआवजे की बात अभी आ रही, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर कोई स्पेशल नीति या स्पेशल कोई राहत की बात या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है
मुआवजे को लेकर, लेकिन इसके लिए समिति गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आने की बात कही गई है। और अगर आप देखेंगे लगातार सबसे महत्वपूर्ण हो गया है उन दो होटल को गिराया जाना जो खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं। उन होटल्स को जो उनके मालिक है, जो उनके स्वामी है, उनको लेकर लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है और जो समाज के अन्य लोगों, जोशीमठ के अन्य लोगों के साथ मीटिंग है, ये उस दिशा में एक बड़ी मीटिंग मानी जा रही है ताकि एक रास्ता निकले और वो जो खतरनाक स्थिति में पहुंच गए होटल है उनको जल्द से जल्द हटाया जा सके। जी रितेश, योगेश राणा जी, एक सवाल और। जिस तरह से आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से फौरी तौर पर सरकार की ओर से राहत निश्चित तौर पर पहुंचाई जा रही है तमाम प्रभावितों के लिए, लेकिन सवाल उस आफत का है जो लगातार बनी हुई है। तमाम एजेंसियों की नजरें इस पूरी घटना को लेकर टिकी हुई है, लेकिन क्या अब हम कह सकते हैं कि स्थिति अब कंट्रोल में है? जो दरारें पड़ रही थी, जिन घरों की संख्या बढ़ रही थी दरारों वालों की, क्या उनमें अब रुकावट आई है या फिर स्थिति अभी भी पहले की तरह ही है? गुजरते हर पल के साथ अलग अलग मकानों में दरारों की संख्या बढ़ रही है और भी घर इसके चपेट में आते जा रहे हैं क्या? बिल्कुल रितेश, इसमें दो अपडेट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि पिछले कई दिन से लगातार जोशीमठ में सर्वेक्षण चल रहा है, उन घरों को चिन्हित करने का काम चल रहा है जिन घरों में दरारें हैं, और उनको तीन कैटेगरी में देखा जा रहा है। वो खतरनाक है या वो केवल असुरक्षित है या फिर उनकी मरम्मत का काम हो सकता है। अभी 723 ऐसे घर चिन्हित किए गए हैं जिन घरों में जो असुरक्षित है, जिन घरों को चिन्हित किया गया, जिन घरों में दरारें हैं। लेकिन अगर पिछले दो तीन दिन की बात करें तो जो दरारों के साइज लगातार बढ़ रहे थे, ये और नई दरारें कुछ आ रही थी, तो अगर पिछले दो तीन दिन की बात करें तो सर्वेक्षण में जो पुराने हैं उसी डेटा को देखा जा रहा है, नए कुछ इस तरह के जो घटनाएं है वो सामने नहीं आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हालांकि ये जो सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वेक्षण में जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है, हर दिन 40 से 50 बल्कि कल तो 70 घर जुड़े थे जो जिन घरों में दरारें आई हुई थी, तो ये सर्वेक्षण में जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई नए घर हो सकते हैं, क्योंकि सर्वेक्षण में एक के बाद एक घर जुड़ते जा रहे हैं, जो घर पहले जानकारी में नहीं थे वो भी उसमें जुड़ते जा रहे हैं, एक सरकारी डेटा बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तक 723 घर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें दरारें हैं और इनमें से 425 लोगों को विस्थापित किया गया है। ये 125 के आसपास घर है। जी बिल्कुल रितेश। योगेश जी, एक सवाल और। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कुछ लोग गलत माहौल बना रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में इस तरह की समस्या पैदा हो गई है। अब एक संक्षेप में टिप्पणी आपकी, मौजूदा वक्त में स्थिति आखिर क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दो होटल है जो खतरनाक स्थिति में आ गए और वो लगातार झुकते जा रहे हैं, और उनके दूसरी तरफ बहुत सारे घर है, उनको सबसे पहले डिमोलिश किया जाना, उनको डिसमेंटल किया जाना सबसे पहले बहुत जरूरी है। लेकिन इसको लेकर लगातार गतिरोध बने हुए, सरकार का ये कहना है कि जो अंतरिम राहत है वो तुरंत दी जा रही है और जो मुआवजा तय होगा उसके अनुसार बाद में राहत दी जाएगी, राशि दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले जो खतरनाक श्रेणी में घर आ गए हैं, होटल आ गए, इनको तो हटाया जाए। लेकिन इस पर गतिरोध बना हुआ है, तो इसको लेकर ये जो संदेश जा रहा है कि कुछ लोग इसमें बीच में राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ इस तरह की बात आ रही है, लेकिन सबसे पहले अंतरिम राहत और फिर मुआवजा तो तय करने की बात सरकार कह ही रही है, इसमें समिति बनी ही है। जी रितेश बिल्कुल, तो लगातार आफत भी जारी है लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से राहत का मरम भी दिया जा रहा है। लेकिन तमाम चीजों के बीच जो बड़ा सवाल है वो यही है कि किस तरह से इस बढ़ती आफत को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, मैं कल से यहाँ पर हूँ और सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। सर, लोग बहुत परेशान हैं, उनको नहीं अभी तक कारण क्या होगा, कुछ निवारण आपकी तरफ से तय हुआ अभी तक? नहीं, अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर
अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में, आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे और सभी को जो है सहायता करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। और चलिए